नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग करेंगे इतिहास के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी दबा लें ताकि आने वाले टाइम में आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन बनता है, अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185वीं ईस्वी पूर्व में की। तो ऑप्शन है पुष्यमित्र। अगला है पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहद्रथ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था। ऑप्शन है सेनापति। अगला है कण्व या काण्व वंश के संस्थापक कौन था। तो ऑप्शन है वसुदेव। अगला है सातवाहन / आंध्र सातवाहन वंश की स्थापना या उसका संस्थापक कौन था। ऑप्शन है सिमुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था। तो ऑप्शन बी मौर्यों के अधीन। अगला है निम्नलिखित में से वह महानतम कुशाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया। ऑप्शन सी कनिष्क। कुशाण काल के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भारत ग्रीक शैली। अगला क्वेश्चन गाइस बनता है, कनिष्क की राजधानी थी। तो कनिष्क की जो राजधानी थी वो हो जाएगा ऑप्शन ए पुरुषपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है। ऑप्शन सी पेशावर। चरक किसके राज चिकित्सक थे। ऑप्शन डी कनिष्क। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था। ऑप्शन सी गांधार कला। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई। ऑप्शन बी इंडो बैक्टीरियन ने। किस संग्रहालय में कुशाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है। ऑप्शन ए मथुरा संग्रहालय। और निम्नलिखित में किसके सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए गए। ऑप्शन ए कुशाण। सात वाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने। ऑप्शन ए सीसा। और निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे। ऑप्शन बी नागार्जुन अश्वघोष और वसुमित्र। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव जिसे कहते हैं भूमि अनुदान देने की प्रथा का प्रारंभ की। तो ऑप्शन है सातवाहन। अगला है भारतीय रंगमंच में यवनिका जिसको कहते हैं पर्दा का शुभारंभ किसने किया। ऑप्शन सी यूनानियों ने। अगला है भारतीयों के महान रेशम मार्ग सिल्क रूट किसने आरंभ कराया। ऑप्शन ए कनिष्क। निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं सोने की मुहर चलाई थी। ऑप्शन सी कुशाण शासकों ने। अगला है चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा में थे किसके दरबार की शोभा थे। ऑप्शन ए कनिष्क। नेक्स्ट है, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी पूर्व से हुआ था। ऑप्शन बी कनिष्क। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था। ऑप्शन ए पाकिस्तान में। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था। तो ऑप्शन सी खारवेल। अगला क्वेश्चन है, कुशाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था। ऑप्शन डी वास्तुकला। और सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया।
तो ये किया था ऑप्शन डी आंध्र में। अगला है सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी, ऑप्शन बी पैठन या प्रतिष्ठान। और निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है, ऑप्शन ए हाथी गुम्फा। अगला है किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तसती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की, ऑप्शन सी हाल। और सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी, ऑप्शन बी प्राकृत भाषा। निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए और इन राजवंशों का सही कालक्रम क्या है, ऑप्शन डी पहले आएगा शुंग, फिर आएगा सातवाहन, फिर आएगा गुप्त और फिर आएगा चोल। अगला है मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही, भारत पर सबसे पहले आक्रमण निम्नलिखित में से किसने किया, ऑप्शन ए बैक्ट्रियन ग्रीक। सूची एक को सूची टू के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सूची एक में शासक हैं, सूची टू में उपाधि हैं और कूट के माध्यम से आपको बताना है, तो ऑप्शन डी। पहला है अशोक, अशोक का हो जाएगा पांचवे से प्रियदर्शी, फिर है कनिष्क, इसका हो जाएगा चौथे से देवपुत्र, फिर है खारवेल, खारवेल का हो जाएगा दूसरा, कलिंग चक्रवर्ती है, फिर है कुमारगुप्त, इसका हो जाएगा तीसरे से महेंद्रादित्य। अगला है विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ, तो ऑप्शन बी 58 ईस्वी पूर्व। अगला है सूची एक को सूची टू के साथ सुमेलित कीजिए। सूची एक में है संवत्सर और सूची टू में है किस समय में गणना कूट के माध्यम से मिलान करना है, ऑप्शन डी हो जाएगा। पहला है विक्रम संवत संवत्सर, इसका हो जाएगा चौथे से 58 ईस्वी पूर्व, फिर शक संवत, इसका हो जाएगा तीसरे से 78 ईस्वी पूर्व, फिर गुप्त, इसका हो जाएगा दूसरे से 320, फिर एक कली, इसका हो जाएगा पहले से 3102 ईस्वी पूर्व। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था, ऑप्शन ए सातवाहन। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई, ऑप्शन बी कुषाण काल। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया, ऑप्शन सी कण्व। अगला है किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था, ऑप्शन ए पेन चाओ। अगला है उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था, ऑप्शन बी कुषाणों ने। अगला है कथन है और कारण है कोड के माध्यम से बताना है, ऑप्शन सी ए सही है किंतु आर गलत। कथन क्या है, कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे, ये सही हो जाएगा। अगला है जो कला शैली भारतीय और ग्रीक ऑब्लिक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं, ऑप्शन सी गांधार। अगला है कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया, ऑप्शन सी महायान। कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी, ऑप्शन सी चतुर्थ बौद्ध संगीति। और प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था, ऑप्शन डी पुष्यमित्र शुंग। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया, ऑप्शन बी शक राजा रुद्र दमन द्वारा। अगला है किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया, ऑप्शन सी गोंदोफिनेस। अगला है किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की, ऑप्शन बी कडफिसस सेकेंड। और किस वंश के शासकों ने छत्र प्रणाली का प्रयोग किया, ऑप्शन डी शकों ने। अगला है त्रातार मुक्तिदाता जिसे कहते हैं की उपाधि
किस वंश के शासकों ने धारण किया? ऑप्शन ए शक। अगला है, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा सही कालानुक्रमा है? तो ऑप्शन ए यूनानी, शक और कुषाण। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया? ऑप्शन ए ग्रीकों द्वारा। अगला है, ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था? ऑप्शन ए बैक्ट्रिया। अगला है, चार धातुओं सोना चांदी तांबा एवं सीसा में बनने वाले सिक्के को क्या कहा जाता था? ऑप्शन डी कारसापण। फिर सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? ऑप्शन बी तमिलों एवं चेरों का। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।